अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज हमें एक न्यू मैसेज और एक न्यू पिक डेवलपर की जनब से वसूल हुई है, विंडा सॉफ्टवेयर की जनब से। मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। ये पिक हमें न्यू डेवलपर की जनब से वसूल हुई है, जो आने वाली न्यू गेम है। तो एक पहले वाली ये पिक थी, अब डेवलपर ने ये पिक सेंड किया है। इसमें अमेरिकन ट्रक को दिखाया गया है, ऊपर लिखा है कि एक अच्छा प्लेयर इसको हासिल कर सकता है। तो जो ये अमेरिकन ट्रक है, इसी की ही पिक ये है। यहाँ पे आप लाइट्स देख सकते हैं, ये सेम उसी ट्रक की पिक है। और एक ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 के बारे में न्यू मैसेज मिला है, उस मैसेज में अपडेट के बारे में बताया गया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। ये मैसेज भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि हम एक अपडेट फ्राहम करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अरसे से कोई अपडेट नहीं हुआ है। डेवलपर का कहना है कि हम कुछ अपडेट देना चाहते हैं, एक टाइम हो गया है, एक काफ़ी दिन हो गए हैं कि हमने कोई अपडेट नहीं दिया। हम बुनियादी ढांचे की कई बेहतरियों पर काम कर रहे हैं, मतलब डेवलपर का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, हम शूटिंगों पे बिल्कुल नहीं हैं। जैसा कि मल्टीप्लेयर मोड, ये पहले भी कन्फर्म है कि डेवलपर मल्टीप्लेयर मोड पर काम कर रहा है। और इसके अलावा मोड सपोर्टेड, मतलब जो हम इस गेम में कोई किसी किस्म का मोड ऐड कर सकें, चाहे बस मोड, कार मोड, वैन मोड, मोटर बाइक मोड, कोई भी जिस भी तरह का मोड हम इस गेम में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बस सिम्युलेटर इंडोनेशिया के अंदर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मोड ऐड कर सकते हैं, इस तरह का इसमें मोड सिस्टम आने वाला है। और ट्रैफिक में बेहतरी, ये भी डेवलपर ने पहले कन्फर्म कर दिया कि हम 30 व्हीकल इसमें न्यू शामिल करने वाले हैं, जिसमें बस, कार, ट्रक, वैन वगैरह शामिल होने वाली हैं, और स्मार्ट AI ट्रैफिक सिस्टम होने वाला है। ये भी डेवलपर ने कन्फर्म किया है पहले। मतलब डेवलपर 3 चीज़ों पर काम कर रहा है, मोड सिस्टम, मल्टीप्लेयर मोड सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, इन 3 चीज़ों पर, जो अभी तक गेम में ज़ाहर नहीं हुई, लेकिन जल्द ही इनको मरबूत कर दिया जाएगा। मतलब डेवलपर का कहना है कि ये फ़िलहाल गेम में नहीं है और बहुत जल्द हम इनको गेम में दाखिल कर देंगे। आपको मुतला करना चाहते हैं कि हम आखिरी मराहल के करीब हैं और आने वाले वक्त में इन अपडेट्स का ऐलान करेंगे। मतलब डेवलपर का कहना है कि हम इन चीज़ों का काम करने के तकरीबन 95% हमने काम मुकम्मल कर लिया है, और कुछ दिनों तक हम इनका ऐलान करेंगे कि हम इनको अपडेट कब कर रहे हैं। तो इसके अलावा लीजिए लिखा है, मजीद बरा टूल रोड अपडेट और नए डबल ट्रेलर के बाद अंदरूनी लवाजमात अपडेट की पैरवी की जाएगी, और हम मजीद डेट्स के साथ जारी रखेंगे। आपके सब्र और तावन के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मतलब इससे आगे टूल रोड अपडेट और नए डबल ट्रेलर के बाद अंदरूनी लवाजमात भी आपको ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में देखने को मिलने वाले हैं, ये भी डेवलपर ने कन्फर्म कर दिया है। मतलब नेक्स्ट अपडेट आने वाली है टूल गेट की, और जो पिछली तरह डेवलपर ने मैप दिखाया था, वो मैप इस गेम में आने वाला है। उसके बाद मल्टीप्लेयर मोड, मोड सिस्टम और न्यू ट्रैफिक सिस्टम इस गेम में आने वाला है। ये आज ही डेवलपर ने हमें न्यू मैसेज दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज वाला मैसेज डेवलपर का आपको पसंद आया होगा। ये ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 का है, और एक न्यू पिक आने वाली न्यू गेम, उसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं है। इसी मंथ के एंड में डेवलपर उसके ऐलान का अनाउंसमेंट करेंगे, जो उसका नाम होने वाला है न्यू गेम का, वो भी ऐलान कर देंगे। और ये पिक है न्यू गेम की। मैं उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।